हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। मैं चाहती हूं कि ईयर 2024 में मेरे फेवरेट मेकअप ब्रांड्स कुछ डिफरेंट तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स रिलीज करें। सो देखते हैं वो कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरे फेवरेट मेकअप ब्रांड्स रिलीज करें, और पॉसिबली मैं उन्हें खरीदने में भी इंटरेस्ट रखती हूँ आई शुड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर मेकअप, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल ऐसे कंटेंट आपको देखने मिल जाएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स एंड व्हाट नॉट। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जिन भी मेकअप ब्रांड्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि के ब्यूटी। चलिए उसी से शुरू करते हैं। के ब्यूटी हैज़ बिन अराउंड फॉर ईयर्स नाउ एंड इट इज़ अ प्रीटी न्यू ब्रांड टू इंडियन मार्केट रिलेटेड when you compare it with Lakme, Maybelline, L'Oreal. However, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगे मुझे के ब्यूटी के ओवरऑल, एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स यू नो टू शॉप फ्रॉम। नायका पे एक्सक्लूसिवली के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, के ब्यूटी इज अ ब्रांड बाय बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ एक्स नायका, यू नो, विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली ऑन नायका ऑनलाइन। और स्टोर पर भी आपको शायद के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। बट द थिंग इज, मैं क्या चाहती हूँ कि ईयर 2024 में ना के ब्यूटी एक फेस पैलेट जरूर से निकाले जिसमें आपको एक कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट, ब्लश और हाईलाइटिंग प्रोडक्ट मिल जाए। एंड आई लव फेस पैलेट्स। आई हैव जस्ट अंडरस्टूड इन माई 6 to 7 ईयर्स ऑफ मेकअप जर्नी दैट आई थरली एंजॉय यूजिंग फेस पैलेट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है, के ब्यूटी ने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक निकाला नहीं है जिसमें आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। उनके पास एक कॉन्टोर पैलेट है जिसमें 3 डिफरेंट शेड्स होते हैं, विच आई डोंट थिंक इज अ यूजफुल प्रोडक्ट। दैट्स माई ओपिनियन। प्रोडक्ट इज गुड बट द आइडिया आई डोंट लाइक दैट आइडिया ऑफ हैविंग 3 डिफरेंट शेड्स। या दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो मुझे चाहिए एक फेस पैलेट जिसमें एक ब्लश हो, कंटोरिंग पाउडर हो और हाईलाइटिंग पाउडर हो, एंड हाईलाइटर जो हो वो एकदम ब्लिंगी हो, ब्लाइंडिंग हाईलाइटर हो, बिकॉज आई लव इट दैट वे। बट देन आई डू अंडरस्टैंड पीपल डोंट लाइक ब्लाइंडिंग हाईलाइटर्स दीज डेज, दे डोंट वॉन्ट टू गो टू दैट 2016 एरा। बट या ये वीडियो मैं बना रही हूँ, मेरा जो पर्सनल चॉइस है मैं आपको बता रही हूँ। ब्लश के डिफरेंट जो शेड्स होते हैं, पीच, पिंक, बर्गंडी, प्लम, जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिंगल ब्लशेज आते हैं उसमें से भी वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट दैट्स ऑन देम। मुझे बहुत ही ज़्यादा यू नो एक्सपेक्टेशन है के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स से, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव वन सच फेस पैलेट फ्रॉम के ब्यूटी। आई होप दैट हैपन्स दिस ईयर। Another thing that I would like to have from K Beauty is satin lipsticks. So उनकी जो matte lipstick है ना, matte lipsticks, तो उसमें से मेरे पास 2 different shades है, debut है, rehearsal है, and I think yeah, one more super hit. So ये 3 shades है मेरे पास। I love the formulation. काफी luxe feel होते हैं lips पे, and even though they say matte, it you know goes to being a कम्फर्टेबल मैट ऑन माई ड्राई लिप्स। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एंड आई डेंट हैड अ गुड टाइम विद देयर लिप क्रॉन्स टू बी ऑनेस्ट। फॉर द लॉन्गेस्ट दैट आईव यूज दोज लिप प्रोडक्ट्स, आई डोंट लाइक द फॉर्मुलेशन, फील्स मोर ड्राइंग। तो मुझे मैट वाली जो लिपस्टिक है, जो उनकी बुलेट लिपस्टिक आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनके पास एक सैटिन फिनिश की लिपस्टिक भी हो। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दे डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड सैटिन फिनिश लिपस्टिक। सो आई एम रियली रियली कीन टू हैव दैट फ्रॉम के ब्यूटी। बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फीलिंग सैटिन फिनिश की लिपस्टिक, और फॉर दैट मैटर यू नो वेलवेटी फिनिश की बुलेट फॉर्म में लिपस्टिक इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम के ब्यूटी। नेक्स्ट अप इज मोयरा। तो मोयरा कॉस्मेटिक्स को मैंने गए साल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया उनके प्रोडक्ट्स को। इनफैक्ट दैट्स द ब्रांड ऑफ द ईयर फॉर मी फॉर द ईयर 2023। आई एब्सोल्युटली हैव फॉलन इन लव विद द ब्रांड। यूए में आराम से मुझे मिल जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स, इंडिया में भी उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, पर हाँ, इंडिया में थोड़े महंगे हैं ये प्रोडक्ट्स। दैट्स दैट आई वुड से मेरे पास जो मोयरा का फाउंडेशन है, इट हैज़ गॉट मैट फिनिश। सो मोयरा के काफ़ी आई प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, बेसिकली फुल फेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मोयरा के मेरे पास, और उसमें से जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन का जो फिनिश है वो मैट फिनिश है। मेरी पर्सनली ड्राई, नॉर्मल जो ड्राई स्किन टाइप है,
एंड वो फुल कवरेज फाउंडेशन है और मैट फिनिश का है. सो आई टेंड टू यूज एनी लिक्विड हाईलाइटर और यू नो समथिंग लाइक दैट विथ माई फाउंडेशन. मैं क्या चाहती हूँ कि मोयरा कॉस्मेटिक्स एक ल्यूमिनस फिनिश का स्किन टेंट निकाले, बेसिकली ड्यूई फिनिश का स्किन टेंट निकाले, जो कि डेमी मैट भी हो तो भी चल जाएगा. बट आई रियली वॉन्ट टू हैव समथिंग लाइक दैट फ्रॉम मोयरा कॉस्मेटिक्स बिकॉज आई नो दे आर रियली गुड इन द आई कैटेगरी. आई हैव नॉट हर्ड मेनी पीपल टॉक अबाउट देयर कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स. उनके पाउडर्स जो लूज पाउडर्स हैं उनके बारे में मैंने सुना है, कलरफुल जो पाउडर्स आते हैं फॉर सेटिंग मेकअप, बट दैट इज अबाउट इट. आई रियली वॉन्ट देम टू कम अप विथ अ ड्यूई स्किन टेंट बिकॉज स्किन टेंट्स आर द इट थिंग राइट नाउ. ट्रेंडी प्रोडक्ट है स्किन टेंट, हर दूसरा ब्रांड स्किन टेंट्स निकाल रहा है मार्केट में. सो आई वुड लव टू हैव वन स्किन टेंट और टेंटेड मॉइस्चराइजर फॉर दैट मैटर बाय मोयरा कॉस्मेटिक्स. नेक्स्ट ब्रांड जो है वो भी मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है. रिमल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रग स्टोर ब्रांड है आई शुड से. एंड मैं जब दुबई आई थी तो सबसे पहले मैंने रिमल के फाउंडेशन को यूज़ किया था. सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक आई लव रिमल प्रोडक्ट्स एज वेल, इवन दो दैट फाउंडेशन इज नो मोर माई फेवरेट बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस. That's about it. But the fact that I have been recently loving Rimmel a lot more than earlier because उनके जो skin tint foundation है, जो kind and free concealer है, powder है, वो बहुत ही अच्छे रहे. मेरी acne prone skin है, उससे किसी तरह का breakout नहीं देता, डमी मैट finish है. एंड इनफैक्ट मैंने वो कंसीलर फ्रॉम देयर काइंड एंड फ्री रेंज अभी भी अप्लाई कर रखा है. आई लव इट. मुझे उसे अप्लाई करने के बाद किसी तरीके का कलर करेक्टर ही यूज़ नहीं करना पड़ता है. सो यू नो आई एम रियली रियली हैप्पी विथ रिमल. बट आई वॉन्ट दिस ईयर इन द ईयर 2024 आई वॉन्ट रिमल टू रिलीज एटलीस्ट आई शेडो क्वाड फॉर दैट मैटर बिकॉज मैं देख रही थी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज, Rimmel has not been consistent enough with their eye products. That's what I am aware of. और kind and free range का जो eye pencil उन्होंने निकाला था, मैंने वो जाके स्टोर पे स्वॉच किया था. I felt that it was too drying. In the past years, I have tried some Rimmel liquid colorful liners. Those were horrible. तो मुझे लगता है eye products is where Rimmel should explore more. कलरफुल आई लुक्स करने के लिए, या फिर अगर बेसिक आई क्वाड भी निकाल रहे हो, हाई क्वालिटी का कोई आई शेडो पैलेट अगर मुझे मिलता है क्वाड फॉर्म में, बिकॉज आई एम नॉट यू नो कीन टू हैव मिडी साइज यू नो 15 pan palette kind of stuff. I'm not into that. 9 pan, 4 pan eyeshadow palettes are good enough for me to try Rimmel eyeshadows. So I would like to have one such quad or a 9 pan palette for that matter of a really good quality from Rimmel. And also they can have variants like one neutral variant, another one colorful variant. So that is a good thing. But yeah, I really hope and wish to have some good eye products from Rimmel. Next up, I would like to talk about my beloved brand, that is Huda Beauty. So Huda Beauty एक ऐसा brand है जिनके काफ़ी eye shadow palettes मेरे पास हैं and I keep purchasing them because of the sheer fact that उनका जो quality है eye shadows का बहुत ही अच्छा होता है. मेरे पास एकाध ही बड़े वाले मिडी size palette हैं, बाकी जो 9 pen palette वो release करते हैं लगभग मेरे पास सारे हैं to the best of what I could collect over past years. मुझे बहुत अच्छा लगता है Huda Beauty के formulation, matte का हो या फिर metallic का हो. So what I want from Huda Beauty is a good rainbow palette. I am well aware of the fact कि बहुत सालों पहले जब initially Huda Beauty लॉन्च हुआ था, बहुत सालों पहले, तो कुछ 8-9 साल पहले if I'm not mistaken, तब उन्होंने 9 pen palettes निकाले थे और उसमें काफ़ी different तरीके के शेड रेंज थे. बट ओवर द ईयर्स आई थिंक उनका ये जो 9 pen palette है कलरफुल, टू बी ऑनेस्ट, probably has not you know done well for them monetarily. What I want is a good rainbow palette, all matte or a mixture of metallic or matte, that's up to them. But even though I had purchased Colorblock green and blue version from them, but that was about it. Uske alawa aisa koi you know exciting palette mujhe kuch khas dikha nahi, kyunki mujhe lagta hai neutral lovers kafi hain worldwide and Huda tends to cater to them is what I am again saying. This is just my personal opinion and I would love her to explore the eyeshadow palettes that are colorful.
vibrant because there are people out there, I know that's a very small section of people who love colorful eye looks. So that's that. Let's see, kabhi Huda Beauty agar colorful rainbow palettes nikalte hain, 9 pen palette, 15 pen palette, we will see wo aisa karti hain ya nahi, but I would love to have something like that from her brand. Next up is Natasha Denona, and yes, you heard it right. Natasha Denona has become one of my favorite brands as far as eye products are concerned. मुझे उनका eye shadows का जो collection है वो बहुत अच्छा लगता है. उनके पास pastels हैं, multichromes हैं. She has a lot, a wide range of neutral eye shadows. She has got midi xenon, mini xenon, which is leaning towards black, white, grey color story. So she has a variety of eye shadows out there. फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं, टॉप नॉच फॉर्मुलेशन है. आई हैड रिफ्रेन फ्रॉम परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम Natasha Denona फॉर द लॉन्गेस्ट दैट आई कैन रिमेंबर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था काफ़ी कॉस्टली है एंड आई वॉज नॉट श्योर कि उनका कलर स्टोरी कैसा होगा, मतलब मुझे अच्छा लगेगा या नहीं एट द एंड ऑफ द डे एंड वॉट नॉट. बट आई एंडेड अप हैविंग क्वाइट अ लॉट फ्रॉम Natasha Denona इन द ईयर 2023, एंड दिस ईयर आई वॉन्ट हर टू हैव समथिंग लीनिंग टूवर्ड्स बेरी, red, peachy, pink toned midi size eyeshadow palette. I think that is a really good idea for Valentine's as well. So I'm keen to know what she's going to release this Valentine's, because last year's Valentine's was a flop as far as that pink palette, pink face and eye palette goes. The neutral one was a hit. मैंने वही सोचा है, इस बार अगर कोई आई शेडो पैलेट निकालती है Natasha ड्यूरिंग दैट टाइम, आई एम कीन टू नो वट एग्जैक्टली इज द कलर स्टोरी शी इज गोइंग फॉर. बट वट आई वुड लाइक टू हैव फ्रॉम हर इज बेरी पिंक, पीच रेड, इस तरीके का कोई कलर स्टोरी हो, एंड दैट काइंड ऑफ पैलेट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी प्रोबेबली वी विल सी. तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ Natasha Denona रिलीज करे. इसके अलावा Natasha Denona का, इफ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन, उनके पास ना सिंगल क्रीम ब्लशर्स नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एंड आई वुड लव टू हैव इट फ्रॉम हर बिकॉज आई एम लविंग ऑनेस्ट ब्यूटी प्योनी पिंक क्रीम ब्लशर, एंड आई हैव स्टार्टेड टू लाइक द क्रीम ब्लशर ट्रेंड. तो आज मैंने वैसे के ब्यूटी का शुगर कैंडी पाउडर ब्लश लगा रखा है FYI, बट द थिंग इज आई एम रियली कीन टू हैव अ क्रीम ब्लशर फ्रॉम Natasha Denona दैट विल बी रियली कूल एंड फॉर अ चेंज. मुझे नहीं लगता कि इस ब्रांड के पास क्रीम ब्लशर सिंगल पैन में, जैसे टार 28 का आता है या स्विस ब्यूटी का क्रेज वाला रेंज है सिंगल पैन में आता है, या बहुत सारे मोयरा के पास भी ऐसा क्रीम ब्लश है, तो वैसा कुछ है Natasha के पास. It will be interesting to have something of that sort or in the form of tube, whatever suits her. I'm really looking forward to see something like that from Natasha Denona in the year 2024. तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है कि मेरे फेवरेट मेकअप ब्रांड्स को इस साल रिलीज करने चाहिए और सोचना चाहिए, और वी सी अगर वो ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं या नहीं इस साल. आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि आप भी क्या अपने किसी फेवरेट ब्रांड से किसी तरीके का पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहते हो कि वो इस साल रिलीज करे, अगर हाँ तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन सा ब्रांड है, डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.